पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होने से पहले ही बिक गई सीटें, पकड़ा गया गिरोह और सिपाही भर्ती परीक्षा का ठेका 6 लाख में लिया गया। बयाना जिसे एडवांस कहते हैं 70,000 रुपए ले लिया गया। कहां ऐसे क्यों किया गया, चलिए आपको बताते हैं, पूरा डिटेल दिखाते हैं। कहते हैं बिहार का सिपाही भर्ती परीक्षा भी होना था 1 तारीख, 7 तारीख और 15 अक्टूबर 2023 को, लेकिन उसके पहले ही इन तमाम नमूनों को पकड़ लिया गया। अब ये जो ये नमूने हैं वेल उड़े रहे हैं, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, सिपाही भर्ती परीक्षा हो, लेखपाल भर्ती परीक्षा हो, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, अभ्यर्थियों से पहले तैयारी अपनी शुरू कर देते हैं। इनको इतना टेंशन रहता है क्योंकि जो बयाना मिलना है और जो पूरा पैसा मिलना है उसका भी तो देखभाल करना है, ठीक है, उसकी तैयारी में लगातार लगे रहते हैं और इनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट हैं जो एक अभ्यर्थी के पास लगभग उतने जुटाने पर नहीं होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही तैयार रखते हैं और इनके पास डिवाइस ऐसी ऐसी है जिस डिवाइस को एक एजेंसी काफ़ी दिन तक टेंडर निकालती है, फिर जा करके उसको मिलता है। इन लोगों के पास सारे डिवाइस पहले से ही मौजूद हैं। इन डिवाइस का ये क्या करते हैं बाकी आगे तो ये लोग बताएंगे ही पूछने पर। फिलहाल बहुत सारे डॉक्यूमेंट उन अभ्यर्थियों के जो अभ्यर्थी इन लोगों को दिए हुए थे, ये लोग बसरते करते क्या हैं, आपसे कुछ पैसा पहले तय कर लेते हैं कि 8 लाख में मान लीजिए ये भर्ती परीक्षा का ले लेते हैं एग्जाम्पल, सौदा हुआ है 70,000 रुपये आपसे बयाना यानी कि आपसे एडवांस ले लिया उन्होंने, फिर सारे डॉक्यूमेंट आपके वो रख लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट मतलब सारी मार्कशीट जो भी डीवी में होनी है, यानी कि ऐसा ना हो आपकी भर्ती परीक्षा में आपका करा करके और आपका मार्कशीट न रखें तो आप किस बेस पे सिक्योरिटी देंगे उनको, तो कहीं आप भाग जाएं, कहीं आप मना कर दें हम पैसा नहीं देंगे तो उनके पास आपका डॉक्यूमेंट रहता है जिससे आपकी सिक्योरिटी जो है उनके पास होती है और ऐसे में बैंक की तरह एकदम फॉलो करते हैं कि आपको लोन देने के पहले, आपको जॉब देने के पहले कुछ ना कुछ आपका जो कोलेटरल रख लिया जाए, तो कोलेटरल आपका रख लेते हैं, फिर आपको डीवी के टाइम ही जा करके देते हैं जब आप पैसा उनको दे देते हैं, क्योंकि आपको डीवी करानी है, आपका सिलेक्शन ही हो गया है, तो तैयारी करने से बेहतर है इन्हीं को पैसा दे देना, ऐसा लोग सोचते हैं और फंस जाते हैं। अब ये जिनका जिनका डॉक्यूमेंट लिए हैं वो सभी लोग फंस गए हैं, उन सभी को पुलिस की गिरफ्त में जाना होगा, क्योंकि यदि ये लोग सेंध मार्ग सेंध करते हैं, सेंध लगाते हैं और सेंध जो लगवा रहा है वो डॉक्यूमेंट जो देने वाले अभ्यर्थी हैं वही लोग तो हैं, तो ऐसे में इन लोगों को भी पकड़ा जाएगा और इन लोगों को भी हो सकता है डिबार किया जाए। फिलहाल 1 तारीख से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में इसी सिपाही भर्ती कांस्टेबल की परीक्षा होनी है। फिलहाल ये नमूने जो पकड़े गए हैं, इन नमूनों से संबंधित जितने नमूने अभ्यर्थी होंगे उन सबों की जो परीक्षा है वह मिट्टी मिल जाएगी, क्योंकि इनका कोई भी डिटेल इनके पास होगा। जैसे मान लेते हैं कोई अभ्यर्थी कह दिया कि हमारा एडमिट कार्ड उसके पास कैसे है हमें नहीं पता, ठीक है, हो सकता है एडमिट कार्ड वो कहीं ना कहीं से लीक हो गया हो, कहीं साइबर कैफे से आप निकाले हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका सारा डॉक्यूमेंट उनके पास हो, ऐसा तो नहीं हो सकता आपका मोबाइल नंबर उनके पास हो, उनके मोबाइल पर जो चैटिंग हुई हो वो गलती से चला गया हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको दर्शाती हैं कि आप कहीं ना कहीं उनसे मिले हुए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इनसे मिले हुए हैं उनका तो बेकार हो गया फ्यूचर, और जो अभ्यर्थी तैयारी में शुरू से लगे हुए थे और आज भी लगे हैं उनको किसी बात का नहीं है टेंशन, वो अपनी करें तैयारी और उन्हें सिपाही भर्ती परीक्षा में होने से कोई शायद नहीं रोक पाए यदि वो मेरिट में अच्छे से आते हैं। तो फिलहाल ये लोग पकड़े गए हैं। तो भर्ती परीक्षा कोई भी हो सब जगह यही काम है, एडवांस ले लेना, ठेका पे सीधे कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, ये सीधे टेंडर निकाल देते हैं अपना खुद का और जगह जगह टेंडर जारी कर देते हैं, और इनसे रिलेटेड जितने लोग भी होते हैं वो भी निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं, मेरा तो हो ही जाना है, बाकी लोगों को तैयारी करने ही दो। फिलहाल अब जब फंस जाते हैं तो ये भी जाते हैं, इनके साथ साथ जो लोग हैं वो भी जाते हैं और उनका फ्यूचर भी जाता है, 5 साल 7 साल के लिए डिबार हो जाते हैं, ठीक है, ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। तो फिलहाल यही जानकारी थी, बाकी उत्तर प्रदेश में भी आपको पता है 53,000 से 55,000 के आसपास की वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की आने वाली है। फिलहाल हर जगह गिरोह सक्रिय रहते हैं, उत्तर प्रदेश में भी होते हैं और इस बार भी होंगे, क्योंकि हमेशा होते हैं, मानते ही रहेंगे, पता नहीं कैसे पकड़े जाते हैं, फिर छूट जाते हैं और फिर शायद शुरू कर देते हैं कि उनके जो रिश्तेदार रहते हैं, मतलब इस टाइप के रिश्तेदार वैसे शुरू कर देते हैं, अब राम जाने बाकी आगे क्या होगा इनके विषय में इनके साथ, वो तो आपको पता ही होगा। बाकी अन्य कोई जानकारी आती है आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के माध्यम की वैकेंसी कोई कब आ रही है तो फिलहाल आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। फिलहाल आपके लिए बस इतना ही, धन्यवाद।